हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी जो श्रावण मास में आती है। श्रावण मास में आने वाली ये एकादशी बहुत ही उत्तम फल प्रदान करती है। जिनको भी संतान नहीं है या जिनको भी संतान की कामना है या जिनको भी संतान नहीं हो रहे हैं उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत करने से आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति ही होगी। केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी परंतु उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। श्रावण मास में जो भी एकादशी आती है वो उसमें हमें ना ही विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए बल्कि भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना बड़े ही भाव से करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत विधि पारण समय और कब है ये सब ये वीडियो में हम जानेंगे। हरे कृष्णा राधे राधे। पुत्रदा एकादशी जब भी आती है कोई भी एकादशी तो 3 दिनों का व्रत होता है, पर आज के ज़माने में सब लोग 3 दिन तक उपवास नहीं कर सकते हैं। वैसे तो 10वीं तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन जब भी सूर्यास्त होता है उसके बाद हमें भोजन नहीं करना होता है, भूमि पर ही शयन करना होता है, काम वासना को बिल्कुल ही मन में नहीं लाना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी तिथि में ये सारे नियमों का पालन करना होता है। 11 के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद पूजा प्रारंभ करें। आपके घर में लड्डू गोपाल हो तो उनको पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर उनको उनकी पसंदीदा का भोग अवश्य लगाएं। जब उनकी पूजा अर्चना संपन्न हो जाए उसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना कीजिए और तुलसी माता की भी पूजा अर्चना कीजिए। एकादशी की तिथि के दिन भगवान तुलसी की माता की और भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा अर्चना का भी बहुत महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी की तिथि के दिन अगर पूर्ण विधि विधान से हम पूजा अर्चना करेंगे तो उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इस बार पुत्रदा एकादशी उदय तिथि के हिसाब से 16 अगस्त को मनाई जाएगी और 17 अगस्त को उसका पारण होगा। द्वादशी तिथि के दिन पारण हमें करना है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। तो पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और उस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर के भी नाम जप, जो भी आपको पता हो या आप जिसमें भी विश्वास करते हो, भगवान विष्णु के और भगवान शंकर जी के ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और भगवान से अपनी मनोकामना कहें। भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा राधे राधे।